सभी विद्याओं में भगवती ईश्वरी का विराजमान होना यहाँ प्रकट हो रहा है। ना मीनिंग जानते हैं, ना राग जानते हैं, ना क्या ताल है ये जानते हैं, उन सबको अच्छा लगता है। ये तो खूबी है, दैविक भावना का खूबी यही है। न बोलते हुए भी बोलेंगे, ना समझते हुए भी समझेंगे। ये हृदय का भाषा है जिसमें भगवती देवी दश महाविद्या के रूप में विराजमान हैं। सभी विद्याएं, सभी कलाएं हमारे अंदर हैं। हम ऐसे सोचते हैं हम मूर्ख हैं, हम सीखे नहीं, हम संगीत नहीं सीखे, हम और विद्याएं नहीं सीखे, परंतु इस विद्याओं से, इस कलाओं से हम आकर्षित जरूर होते हैं, अवश्य होते हैं। कोई फिल्मों में जाता है, वहाँ कलाकारों को देखता है, आकर्षित होता है। कोई एग्जीबिशन देखने जाता है, कोई और कुछ करता है, कोई और कुछ, सब चीज़ों में आकर्षण है। वही आकर्षण शक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी का है, वही आकर्षण शक्ति भगवती का है, वही अपना दश महाशक्ति से लोगों को खींचती है। इसलिए तो हम प्राणी जीवित हैं, हमारे अंदर ग्रहण करने की और आकर्षित होने की शक्ति है, तब तो हम मुर्दे नहीं बने, हम जीवित हैं। हमें जीवित रखना है तो सिर्फ श्वास ऊपर नीचे होगा तो नहीं, सिर्फ श्वास से हम जीवित नहीं रहते हैं। हमारे अंदर हर चीज का फीलिंग, ग्रहण करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, प्रश्न करने की शक्ति, आकर्षित शक्ति, सोचना और निर्णय की करने का शक्ति भी भरा हुआ है। इसे ही ज्ञान कहते हैं। हर इंसान के पास ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपा बैठकर काम करती है। वही ज्ञान देती है हर काम के लिए, हर कार्य के लिए। वही प्रेरणा देती है, वही करवाती है। उनके बिना प्राणी सिर्फ मुर्दे हैं। पेड़ों में, पौधों में, पानी में रहने वाले मछली इत्यादि छोटे मोटे प्राणियों में, हर चीज में विराजमान है उनकी शक्ति, महाशक्ति। वही हमें हर चीज के लिए प्रेरित करती है। नवरात्र का पहले दिन मैं अंदर से बाहर आई, पता नहीं कुछ करती हुई निकली। मेरे जो मैं जहाँ रहती हूँ उसको कुटिया कहो, घर कहो, बंगला कहो, मंदिर कहो, वहाँ पे दरवाजे बहुत हैं,
तो मैं अपना राइट हैंड का दरवाजे तक पहुंची, झुर्र कर कर बड़ा एक सांप वहां पर आया, काला और बड़ा। मैं देखती रही, मैंने कहा अब और दो मिनट ठहर जाऊंगी तो ये खुला है, अंदर घुस जाएगा। इसके लिए मैंने वो दरवाज़ा बंद किया और सोनी को कहा एक लकड़ी लाओ, उसको ऐसा ऐसा थोड़ा आवाज़ करो तो चला जाएगा। तो मैंने हाथ से आवाज़ की, तुरंत चला गया। कहते हैं उनको सुनने की शक्ति नहीं है, सर्प जैसे नाग जैसे छोटा सा कीड़े मकोड़े हैं, उनको सुनने की शक्ति भी नहीं है। परंतु वो जो फीलिंग करने का शक्ति है, उनसे उसने फील किया कि मैं जोर से दरवाज़ा बंद करती हूँ तो आफत आ रहा है। सबसे घटिया योनि पाप योनि सर्प है कहा गया है, सांप है, सांप की योनि है, वह भी चेतक रहता है। तो हर चीज में, हर प्राणियों में, कीड़े मकोड़े सब में वही चेतना शक्ति काम करती है जो हमें दिखता है और नहीं भी दिखता है। दस महाविद्या जो भगवती देवी का साक्षात है, वो सभी के अंदर है, वो सभी को हर क्षण चेतावनी देती रहती है। हमें आभास होता है, कभी कभी हमें बहुत आनंद का आभास होता है, अच्छा लगता है। कितना भी बुरा खबर सुनो तो भी मन में वो लगता नहीं है, शोक नहीं होता है। माता जी ऐसे क्यों, मुझे किसी ने पूछा, बुरे से बुरा खबर हमारे अंदर, हमारे घर में है, फिर भी अंदर से दुख नहीं है, शोक नहीं है। कुछ आनंद सा महसूस होता है। मैंने कहा तुम्हारे घर में है ना, तुमको तो नहीं है, तुम्हारे अंदर तो नहीं है, तो घर में है। अपने को तुमने उनसे परे रखा है, खुद को तुम वही आनंद स्वरूप हो, सच्चित आनंद स्वरूप हो, उचित स्वरूप हो। इसलिए इतना जल्दी तुम्हें शोक महसूस नहीं होता है। वो आनंद का अवस्था, वो चित्त का अवस्था मेरे ख्याल में तुम अब महसूस करते हो। इसी को पकड़ो, स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ जाओगे। बहुत ही खुश हो गया वो इंसान। वो कहने लगा आप मेरे साथ ही रहो, मेरे विचार से आप यहाँ मेरे साथ है, इस वजह से मुझे यह दुख छूटा नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, दुख तो आती जाती है दुनिया में,
वो तो लाभ हानियाँ होती जाएगी दुनिया में, शोक और आनंद होता ही जाएगा दुनिया में, आज रहेगा कल निकल जाएगा, सब सटको है, सब छीज जाएगा। ये विनाश होने वाली दुनिया को हम निरंतर ऐसे सोचकर रहते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। ये खुशी, ये संतोष, ये दुख, ये सुख, ये सब निरंतर नहीं है, आने जाने वाला मेहमान है। अचानक कभी भी आ सकता है मेहमान, और नहीं पसंद है, नहीं उनको हम स्वागत करते हैं तो जा भी सकता है। दुख को स्वागत नहीं करेंगे तो वो हट जाएगा, चला जाएगा, वो महसूस नहीं होगा हमें। हम उन्हें स्वागत कर करके हमारे अंदर बिठाते हैं, जाने नहीं देते हैं, आओ आओ बैठो, उसको बार 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 याद करके हमारे अंदर उसे हम बिठा के रखते हैं। कौन भला जाएगा ऐसे, इतना उपचार करेंगे तो पूरा दिन रात पूछते ही रहेंगे तो कौन सा मेहमान जाने वाला है हमारे घर से, उनको तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो दुख सुख भी ऐसे ही हैं, उन्हें स्वागत मत करो। उनमें ध्यान मत लगाओ, अपने अंदर ध्यान लगाओ। हमारे अंदर जो चित स्वरूपा, आत्म स्वरूपा, जो आत्म प्रकाश भगवान है, उनके ऊपर ध्यान लगाओ। इन्हें तो छाट दो, जैसे मच्छर और कीड़े मकोड़े तंग करते तो हम ऐसा कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, सफाई करते हैं, इसे निकाल दो, ये उपद्रव होते ही रहेगा। इससे परे होना ही स्पिरिचुअलिज्म है, इससे परे होना ही आत्म तत्व है, आत्मिक तत्व है, आत्म भाव है। उसी को प्राप्ति करने के लिए साधक साधना करता है, दिन रात भगवती का पूजा करता है, उचित शक्ति का पूजा करता है, उनको हृदय में बिठाने की कोशिश करता है, उनका शरण धर के उन्हीं में लाए होने का प्रयत्न करता है। बार बार पुनः पुनः जन्म लेकर आता है दुनिया में, और पुनः पुनः वह जनन मरण से मुक्त होना चाहता है। पुनरवि मरणम पुनरवि जननम, आते हैं जाते हैं, बटोरते हैं, स्थान बनाते हैं लोगों के बीच में, है भाई मैं कोई, फिर सब छोड़ के चले जाते हैं, वही वासना शक्ति के साथ में फिर से आते हैं, वही इच्छा के साथ आते हैं, फिर ढूंढते हैं, मिले तो खुश, ना मिले तो दुख, यही काम हम करते रहते हैं। इस काम के अलावा भी कुछ है, महत्व काम है, वही भगवती ईश्वरी का शरण लेना, हर जगह में उनको देखना, हर प्राणी में उनका दर्शन करना, हर सेवा उनके लिए करना, हर काम उनके लिए करना, ऊंच नीच भावना
नहीं होनी चाहिए, अंदर बाहर होना ही नहीं चाहिए। निष्कलंक प्रीति से उनका सेवा करना, यही हमारा उपनिषद वेद पुराणों में कहा गया है और हम सुनते आते हैं। कहाँ गया था भाई? अरे हम तो भागवत सप्ताह में गया था, पता है पूरा रात भागवत सप्ताह हुई थी, मैं गया था 7 दिन सप्ताह अटेंड किया। क्या सीखा? खाना अच्छा था, अच्छा एयर कंडीशन रूम में बैठे थे हम लोग, बड़ा हाल था, बहुत अच्छा भगवान को श्रृंगार करके रखा था। और क्या किया? आह क्या बोलते हैं पंडित जी, कितना मजा आता है। अरे रुक्मिणी कल्याणम, रुक्मिणी का शादी भगवान का, भगवान कृष्ण का आगमन, गोपियों का उनके साथ खेलना, बहुत अच्छा लगा। परंतु कुछ सीखा नहीं, तुमको अच्छा लगा, सिर्फ नेत्रों से देखा। अंदर कुछ उतरा नहीं है तुम्हारा, ये स्पिरिचुअल तुम नहीं ही है। ये आत्मा विचार नहीं है, एक्चुअली ये सत्संग भी नहीं है। आया राम गया राम का बात हो गई, सब लोग जाते हैं मैं भी गया, सब सुने मैं भी सुना, सब ने देखा मैंने भी देखा, यूं ही हमारा जीवन व्यर्थ होता है, खाली जाता है। इसके लिए बार बार भागवत में कहा गया है, बार बार कहा गया अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा आगे चलो। परीक्षित महाराजा के जैसा 7 दिन में 1 दिन, आपका भी अंत होने वाला है, ये शरीर नाशवंती है, पाप और पुण्य आपको बचाएगा नहीं, क्या करेगा पुण्य करेगा तो, क्या करेगा पाप करेगा तो, वो नहीं बचाएगा। पुण्य करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, पाप करेंगे तो उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा, बस फिर से यही जगत, इसी जगह में पुनः पुनः आना पड़ेगा। तो 10 महाविद्या में यही कहा गया है, भगवती ईश्वरी का शरण योग। और उनका ध्यान करो, अच्छा और स्वच्छ कार्य करो, जन्म सफल हो जाएगा। सबके अंदर मातेश्वरी बैठी है, सबके अंदर माँ एक ना एक गुण के रूप में बैठी है, वो सहायता करेगी हर आफत में, प्रेरणा देगी अंदर से, सहायता करेगी। इतना विश्वास रखो, आपका कोई सगा संबंधी आस पास वाले या तो कोई गोरखे बोरखे किसको भी आप रखो यहाँ पर, कोई नहीं सहायता करने वाला है आफत में, आप ही आपका अंदर से सहायता माँ करेगी, आप ही करेंगे, आपको ही करवाएगी।